एक टाइम ऐसा था कि भाई अपन मॉर्निंग में, नाइट में, दिन में कभी भी चाय पी के दिन निकाल देते, बट अभी ये चीज़ अपने साथ ही बन गई है बिकॉज लाइफ में थोड़े चेंजेस हो गए तो इसका इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। अभी मैं आपको थोड़ी स्टोरी बताता हूँ मेरी, कि स्टोरी एग्जैक्ट मैं रात को ये 3 बजे उठकर क्या कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट अभी 13 डेज हो गए मैं व्लॉग बहुत ज्यादा कम डाल रहा हूँ लास्ट 2 महीने से, बिकॉज 2 महीने से मेरे लाइफ में क्या चल रहा है एंड क्या चेंजेस हुए है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई होप आप लोग समझे। भाई मुझे भी नहीं पता कि लास्ट टाइम मैं कभी बीच पे आया था। भाई ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए रहे। मैं लास्ट टाइम 2 महीने पहले बीच पे आया था। पहले मैं हर वीक में कम से कम 4 से 5 बार बीच पे आता था, बट अभी मैं 2 महीने के बाद आ रहा हूँ, वो भी रात को 3:30 बजे, एग्जैक्ट 3:30 हो रहे। तो अभी अंदर जाते एंड दिल की बातें आपके साथ शेयर करते। मैं 3:30 को आज जागा हूँ, आई मीन सोया नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। इस चीज ने मुझे ना काम करने में बहुत ज्यादा हेल्प किया 2 महीने ने। ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ अलग ही जगह पे आ गया मैं, लाइक बहुत दिनों के बाद ये मतलब वेव्स का आवाज कान में एकदम पीसफुल, एकदम शांत लग रहा है। मुझे ना पहले बहुत ज्यादा आदत थी कि रात को आने का एंड बीच पे बैठ के अकेला बैठ के मतलब थोड़ा चिल करने का, लाइक बीच पे, बट वो मुझे अभी करने मिलता नहीं बिकॉज ऑफ वर्क। लाइक अचानक 2 महीने से ना मुझे बहुत ज्यादा काम आ गया। आई मीन मेरा 2-3 कंपनी का टाइप हुआ है, तो 2-3 कंपनी के लिए मैं शूट्स कर रहा हूँ। देन मैं शूट्स करके पूरा आता हूँ, रात में लेट आता हूँ, ऑलमोस्ट 3-4 बजे से आता हूँ। फिर उसके बाद मैं एडिटिंग करता हूँ, मैं बहुत थका हुआ रहता हूँ एंड वही बस रेडबुल पी के मैं एडिटिंग करता हूँ। एडिटिंग कंप्लीट करके मैं फिर सोने जाता हूँ एंड सोने के बाद तो मैं ऑलमोस्ट आफ्टरनून में लेट उठता हूँ। देन वापस एडिटिंग का काम होता है वो करता हूँ, तो इसलिए मुझे व्लॉग बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो सोचा कि आज मैं सोऊंगा नहीं, बट मैं आज आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाऊंगा एंड आप लोगों से बातें करूंगा। मुझे ब्लॉग बनाने का बहुत दिल तो करता है बाहर जाके, बट मुझे टाइम नहीं मिलता है बिकॉज जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम मुझे टाइम टू टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं ब्लॉग बना नहीं पा रहा हूँ। बट मैं अभी थोड़ा नींद थोड़ा कम करके आपके लिए ब्लॉग बनाने की कोशिश करूंगा। भाई यूट्यूब से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ एंड आप लोग देखते हो तो आप लोगों से बहुत ज़्यादा इतना ही प्यार है मुझे। जब भी आप लाइफ में कुछ अच्छा करते हो, आई मीन थोड़ा ग्रो करते हो, हमें स्पेशली यूट्यूब का फंडा मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपके कुछ सब्सक्राइबर नहीं होते तो आपको कुछ टेंशन नहीं होता है, भाई क्या कंटेंट बनाएगा, कहाँ पे जाके ब्लॉग बनाएगा, कब मैं ब्लॉग डालूंगा, मुझे इतने दिन में ब्लॉग डालना ही पड़ेगा, ये सारा टेंशन होता नहीं है जब आप नए यूट्यूबर होते हो। बट अब जब भी आपका चैनल ग्रो करता है, थोड़े बहुत आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, जब आप लोग जानने लगते हैं आपको एंड आप लोगों को लोग देखने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं, तो आपको टेंशन आता है, भाई मैं आज लोगों को कंटेंट क्या दूँ। तो ये सब फंडा मेरे साथ में अभी हो रहा है कि भाई अब मुझे टाइम नहीं मिल रहा तो मैं ब्लॉग कब डालूँ यार, लोग क्या सोचेंगे कि ब्लॉग नहीं डाल रहा। काफ़ी सारे थॉट्स दिमाग में आते हैं, जो लोग एकदम दिल से अपन को देखते हैं वो लोग वेट करते हैं, बट कैसा होता है। भाई साहब सुबह सुबह कितने बज रहे हैं अभी? 3:47 हो रहे हैं एंड यहाँ पे बीच क्लीन हो रहा है एंड बीच कितना ही साफ है भाई, आप लोग देखो। एंड ये बीच की बैंड अपन नहीं बजाते, अपने से लोग, तो ये देखो कितना साफ है बीच अभी के लिए, देखो कितना साफ है, मुझे एक पत्ता नहीं दिख रहा है, देखो पूरे सरफेस पे एक भी पत्ता है, कचरा कुछ दिख नहीं रहा। काम तो काम की बात तो ठीक है, बट मैं जिम के बारे में 2 महीने से सोच रहा हूँ कि भाई जिम ज्वाइन करूंगा, जिम ज्वाइन करूंगा, जिम ज्वाइन करूंगा, भाई मुहूर्त ही नहीं निकल रहा जिम का। ऑलमोस्ट 2 महीने से सोच रहा हूँ, मुझे अभी भी याद है मैं सारे दोस्तों को बोला कि भाई जिम ज्वाइन करेंगे, और लोगों ने ज्वाइन कर दिया, बट अब तक मैं ज्वाइन ही कर रहा हूँ। वैसे तो हम लोग जाके आए साकीनाका, हमें सेलवा के पास गए थे हम लोग, प्रतीक का दोस्त सेलवा एंड मोसिन, मोसिन का भाई। तो हम लोग हर टाइम जाते साकीनाका इडली खाने के लिए, बट वो सेलवा कहीं पर गए हैं।
अभी काम में रुकावट आने का एक और एक प्रॉब्लम हुआ है कि मम्मी गई है गाँव, इसलिए सारे घर के काम खुद करने पड़ते हैं। बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर साफ करना, सारे काम भाई हम लोगों को करने पड़ते हैं। स्पेशली मुझे ही करने पड़ते हैं बिकॉज मैं घर में बैठ के काम करते रहता हूँ एंड भाई तो काम पे जाता है, डैडी भी काम पे जाते हैं, तो अकेला मैं फंसता हूँ। जो घर में रहेगा वो घर साफ करेगा, सारे काम करेगा, तो ऐसा फंडा होता है मेरे साथ। तो ये अभी घर का फटाफट काम पटाता हूँ, उसके बाद मुझे आज एडिटिंग पे बैठना नहीं है। मेरे जो दूसरे काम बचे हुए रुके हुए वो सारे काम मुझे आज कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे कल के जो कपड़े धुए थे वो इधर पड़े हुए, उसको घड़ी करना है। अभी मैंने आज के कपड़े हैं मैंने ये देखो धोने के लिए मशीन लगा दिए, मेरा कैमरा चार्जिंग पे लगाया बिकॉज कल शूट पे जाने। यहाँ पे जो मुझे बर्तन धोने हैं तो ये बर्तन में आने के बाद धोने वाला हूँ। ये कल के बर्तन यहाँ पे पड़े हुए, किचन के हाल बेहाल हो गए। घर में मम्मी नहीं तो पूरी घर की हाल ना बहुत बेकार हो गए। लाइक असली माँ की वैल्यू बोलते ना, माँ कहीं पे जाने के बाद पता चलती है, तो भाई माँ की वैल्यू करो। मम्मी अगर देखेगी तो मुझे पहला चिल्लाएगी, अरे तू कितनी माँ की वैल्यू करता है रे, तू कितना काम करता है घर में जब मैं रहती हूँ। तो फटाफट जाते हैं भाई गाड़ी वॉशिंग करते, बिकॉज बारिश के बाद मैंने एक बार भी गाड़ी वॉश नहीं कराई है, आई मीन स्पेशली अंदर से नीचे से, बिकॉज बारिश में कैसे पानी से पूरा मिट्टी उड़ उड़ के ना नीचे पूरा बॉडी पे चिपक जाती है एंड बॉडी सड़ने लगती है, तो मिट्टी साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो वो मिट्टी साफ करने का बोलते ना मुहूर्त आज निकला है, तो फटाफट जाता हूँ अंधेरी ईस्ट में गो मैकेनिक में जहाँ पे बेस्ट सर्विस मिलती है। तो फाइनली गाइस देखो गाड़ी हो गई अपनी चकाचक, एकदम चकाचक हो गई। मैंने वीडियो को शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ का बंदा है ना उसको शर्म आ रही थी। भाई गाड़ी वॉश करते करते बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया, क्या बताऊँ, मतलब वहाँ पे बहुत बड़ी लाइन थी, आई मीन दो तीन लोग थे, इसलिए मुझे टाइम बहुत लग गया। तो अभी मैं निकला हूँ यहाँ से, तो ये गो मैकेनिक का नया ही सर्विस सेंटर चालू हुआ है इधर ईस्ट में जोगेश्वर में, वहाँ पे मैं गया था तो सोचा कि गाड़ी वॉश कर रहता हूँ, तो गाड़ी एकदम मस्त तरीके से एकदम नीचे से प्रॉपर वॉश की, एकदम डीजल वॉश। अभी टेंशन नहीं है भाई नीचे का कोई रस्टिंग पकड़ने का, बिकॉज ना वॉश नहीं करेगा ना तो मिट्टी पकड़ के वो पूरी रस्टिंग पकड़ती, इसलिए वॉश टाइम टू टाइम करना बहुत ज़रूरी है।